हमको इस बात की इजाजत देता है तो हम बिला खौफ अपने मसाइल को, अपने इशूज को सारी दुनिया के सामने रखें। चौथी बात मेरी यह है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं जिम्मेदारी के साथ आपके सामने कह रहा हूं कि अगर 1948 दिसंबर 27 को लखनऊ में अगर हमारे बुजुर्गों ने फैसला नहीं लिया होता कि हम सियासत से सब्दोकोश हो जाएंगे तो आज शायद मुसलमानों का हाल कुछ अच्छा जरूर होता। हमारे बुजुर्गों ने नहीं मालूम क्यों वो फैसला लिया, मगर आज 70 साल के बाद हम ये बात कहने पर मजबूर हैं कि हमने अपने आप को सियासत से दूर रखा। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे गयूर नौजवानों, अगर आप इस खुशफहमी का शिकार रहेंगे कि सेकुलरिज्म हमको या फिर हमको इंसाफ दिलाएगा, मेरे भाई मैं आज तक सेकुलरिज्म के माने नहीं समझ पाया हूं। अगर जिस दिन मैं समझ जाऊंगा मैं यकीनन उस शख्स को उसके पेशानी पर बोसा दूंगा, क्योंकि सेकुलरिज्म का लफ्ज सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की बर्बादी के लिए इस्तेमाल किया गया है। सेकुलरिज्म का लफ्ज सिर्फ इलेक्शन के वक्त इस्तेमाल किया गया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सियासत में हिस्सा लीजिए। यकीनन मैं एक सियासतदान हूं, मैं आपके सामने ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी तायीद करो, आप मेरी मुखालिफत जरूर करिए, मगर मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि सियासत में हिस्सा लीजिए। अगर आपके दिलो दिमाग में ये बात आज भी है कि नहीं सेकुलर नाम निहाज सेकुलर पार्टियां हमारे मसाइल को हल करेंगी, नहीं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक तल हकीकत मैं नौजवानों आपके सामने बयान कर रहा हूं, वो यकीनन कभी आपसे और हमसे इंसाफ नहीं करेंगे। अगर आप मुत्तहिद नहीं होंगे, बल्कि सही कहा भी किसी ने कहने वाले ने, अगर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में अगर हमारे 10 से 12 नुमाइंदे जीत कर आते हैं तो इसमें क्या बुरी बात है, यकीनन होना चाहिए। आप देखते हैं कि हर तबका अपने अपने नुमाइंदे को कामयाब करके भेजाता है, एक पिक्चर की रिलीज को रोक दिया जाता है महज इस बात पर कि उनके जज्बात मजरूह हो रहे हैं। तो आज हमको इस बात को तय करना है कि हम भी सियासत में हिस्सा लें, अपने उम्मीदवारों को कामयाब करें, हमारी आवाज को चाहे वो बल्दिया का इलेक्शन क्यों ना हो, पंचायत का इलेक्शन क्यों ना हो, असेंबली का हो, पार्लियामेंट का हो, सोसाइटीज का हो, रेसिडेंट वेलफेयर का हो, उसमें हमको हिस्सा लेना पड़ेगा। और कोई फिक्र करने की बात नहीं है, हिंदुस्तान में अगर फिरका परस्ती जिंदा है और रहेगी, मेरी बात को याद रखिए, वो हमारी वजह से नहीं है, वो हमसे दुश्मनी की बिना पर है। और अगर वो फिरका परस्ती का अगर आपको मुकाबला करना है तो आपको सियासी तौर पर मुतहरिक होना पड़ेगा, आपको सियासी तौर पर खड़े होकर जमहूरी अंदाज में अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को हासिल करना पड़ेगा। हमने बहुत नारे दिए, हिंदू मुसलमान इत्तेहाद, हिंदू मुसलमान भाई भाई, हम मुसलमान तो नहीं हुए, वो हिंदू राष्ट्र की तरफ तो जरूर चले गए। तो आज हमको ये बात पर गौर करना है। छठी बात यह है कि अगर कोई आज हमको डराता है कि हम इस मुल्क में कोई मुख्तलिफ किस्म के बयानात दिए जाते हैं कि आपको यहां नहीं रहने दिया जाएगा, आपको ऐसा करना पड़ेगा, सब्जुगेशन सबवर्शन, ये तमाम बातें की जाती हैं, मैं उन लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हमको इस मुल्क में दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का जो लोग ख्वाब देख रहे हैं, जो आज भी हमको पाकिस्तानी कहकर पुकारते हैं, मैं उन तमाम जिम्मेदारों से पूछना चाहता हूं कि भाई साहब, हर्षद मेहता क्या मुसलमान था? हर्षद मेहता क्या मुसलमान था? केतन मेहता क्या केतन पारिक क्या मुसलमान था? विंसम डायमंड्स का 6000 करोड़ का गबन करके सेंट किट्स आइलैंड को भागने वाला क्या मुसलमान था? नीरव मोदी क्या मुसलमान था? हमारे वजीर आजम ने कहा, एक अपने भाई को कहा, मेहुल भाई, क्या मेहुल भाई मुसलमान थे? ये सब के सब हिंदुस्तान की माता की, अपनी मां की दौलत को लेके मुल्क से भाग गए या फिर बैठे हुए हैं? मां से गद्दारी करने वालों को क्या देंगे, गाली देंगे आप? हम पूछना चाहते हैं हमारे प्रधान सेवक साहब से कि सर, जिसको आपने भाई कहा उसी ने ही तो लूट कर भाग गया, अब आप किसको भाई कहेंगे? ये अंदाज़ फिक्र है,
इसका हमको मुकाबला करना है और बेखौफ होकर मुकाबला करना है। अगर हम अल्लाह उसके रसूल को मानने वाले हैं तो हमको नाउम्मीद होने की हरगिज़ जरूरत नहीं है कि अल्लाह से हम डरने वाले हैं, अल्लाह अकबर कहने वाले हैं। यकीनन ये हमारा इम्तिहान होगा। मगर जब सुएज कनाल का क्राइसिस हुआ था उस वक्त चर्चिल ने एटली से कहा था कि व्हाट अ ग्रेट टाइम टू फाइट बैक, ये वक्त फाइट बैक करने का वक्त है मेरे नौजवानों, ये वक्त अपने हुकूक को और अपने मुल्क को बचाने का एक बेहतरीन मौका आपके सामने आया है और डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे हालात हमारे बुजुर्गों ने ऐसे हालात का सामना किया, सबर के साथ किया, हिम्मत के साथ किया, अल्लाह की जात पर भरपूर तवक्कल करके किया और अल्लाह ने उनको गालिब किया, अल्लाह ने डराने वालों को, अल्लाह ने उनको नाकाम किया, उनको निस्तनाबूद किया। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आज जो लोग हमको डरा रहे हैं, चाहे हमारी शरीयत के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, चाहे हमको ये कह रहे हैं कि मस्जिद छोड़ दो, मैं उन लोगों से भी कहना चाह रहा हूं जो हमारी सफों में बैठकर हमसे कहते हैं कि मस्जिद को छोड़ दो, नहीं, हम हरगिज अपनी मस्जिद को नहीं छोड़ेंगे। हम अपनी मस्जिद है, वहां पर थी और इंशाअल्लाह रहेगी और दोबारा वहां पर बनाएंगे जब सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला देगा। और फैसला आएगा मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तो हमको पूरी उम्मीद है कि आस्था की बुनियाद पर नहीं, एविडेंस की बुनियाद पर आएगा। यही चंद अहम गुजारिशात मुझे आपके सामने रखना था। मैंने अख्तसार के साथ अपनी बात को सामने रखा हूं। मैं फिर से मुबारकबाद देता हूं SIO को, जमात इस्लामी को, कि एक बेहतरीन तरीके से एक यहां पर इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। नौजवानों, बेखौफ होकर आप अपना काम करिए। आपकी जो आइडियोलॉजी है अगर आप उस पर कामिल यकीन रखते हैं तो बेखौफ होकर, बेनफ्स होकर उसके लिए काम करिए, अपने कॉज के लिए काम करिए। डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान हमारा मुल्क है और इंशाअल्लाह रहेगा। यहां पर कोई हमको हरगिज दबा नहीं सकता। अगर मुसलमान को यहां पर दबाया जाएगा तो फिर हिंदुस्तान भी कमजोर पड़ेगा, और अगर हिंदुस्तान को मजबूत बनाना है तो मुसलमानों को मजबूत बनना पड़ेगा। और उस वक्त हम मजबूत बनेंगे जब हम अपने मुकद्दर के फैसले करेंगे। हमने 70 साल इन तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियों को या सियासी पार्टियों की तरफ हमने हमको ये फैसला दे दिया कि आप फैसला करिए। इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ हमको इस्तेमाल किया और हमको भिखारी बना के रख दिया एक इफ्तार की दावत का, हमको मोहताज बना कर रख दिया किसी दरगाह के उर्स की फूल की चादर भिजाने के लिए। नहीं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे मसाइल एक इफ्तार की दावत या किसी दरगाह के उर्स में फूल की चादर भिजाना नहीं है। हमारे मसाइल रोजमर्रा के मसाइल है, हमारे मसाइल हमारी शनाख्त का मसला है, हमारा मसाइल हमारे उस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का मसला है। और ये आप उस वक्त हासिल करेंगे जब आप अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे और आगे बढ़ेंगे, मैदान अमल में आएंगे, और तभी जाकर हमको अल्लाह सुभान व तआला कामयाब और कामरान करेगा। वाखरु दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।